मेरा नाम सोनू वर्मा है। मैं हमीरपुर डिप्पू से 2015 से कौशल विकास भत्ते के अंडर लगी हुई हूँ। सर हमने मतलब जैसे शुरू में 2.5 महीने की ट्रेनिंग की, उसके बाद इन लोगों ने 2.5-3 साल लगवा लिए, और मतलब अब इन्होंने जो पोस्टें निकाली हुई है उसमें इन्होंने बेस रखा हुआ है प्लस टू। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो मैट्रिक पास हैं, और समस्या ऐसी है कि हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बेस प्लस टू रखा हुआ है तो मैट्रिक किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब 45-50 अबव हैं, उन लोगों के लिए मौका मिलना चाहिए। और हम पहले स्ट्राइक के ऊपर, आज से 1 साल पहले शिमला में 1 महीने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बैठे, उस टाइम हम मतलब मंत्री साहब से मिले और हमने उनको अपनी समस्या बताई, और हमने उनको ऑप्शन रखा कि आप बैच वाइज या एज वाइज रख लो, या जैसे हमारे लाइसेंस है, कंडक्टर लाइसेंस है, उनके बेस पे रख लो। और आज हम धूमल जी के माध्यम से मंत्री साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं कि ताकि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। हमने HRTC में ट्रेनिंग की, तब इन्होंने हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं रखी थी, ठीक है। बाद में बोला कि आपको कोई पॉलिसी बना के आपको HRTC में जॉब मिलेगा। चलो मतलब इन्होंने बोला 2-3 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यहाँ 2-2 साल मतलब बार बार बंदे को रिपीट करवा के ट्रेनिंग करवा दी। उसके बाद इन्होंने 2-3 साल जॉब लगवा दी, बाद में इन्होंने पोस्टें निकाल दी। अब इसमें इन्होंने रख दिया कि प्लस टू कंपल्सरी होनी चाहिए, जबकि मतलब 90% ऐसे हैं जो मतलब मैट्रिक है, प्लस टू नहीं है। अब इस चीज में आप ये बताए उन लोगों की क्या गलती है। अब अगर ऐसी बात ही हो, ये प्लस टू लाइसेंस बनाते, इससे कम तो वहां कंडीशन बता देते कि मैट्रिकुलेट का लाइसेंस नहीं बनेगा, जबकि हमारे ऑलरेडी 1999 से लाइसेंस बने हैं, उस टाइम क्या मैट्रिकुलेट है। तो अब हमारे लिए इस चीज को हम कैसे फेस करें, हम तो ये चाहते हैं कि एक तो इन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई, उसके बाद जो भी अब आगे ये बोल रहे कि प्लस टू, अब आप बताएं कि हम कहाँ जाएं। हमारी सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने HRTC में जो प्रशिक्षु जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको मौका दिया जाए, या फिर जो मौका भी दिया जाए और ये प्लस टू की जो है ना लगाई है नया ये निकाला, इसको हटाया जाए। कौशल विकास भत्ते के अंतर्गत जो परिचालक पहले रखे जाते थे, अब इन परिचालकों का इश्यू ये आ रहा है कि जो क्वालिफिकेशन पहले इनकी 10th क्लास होती थी वो अब प्लस टू इन्होंने कर दी है सरकार की तरफ से, और चयन बोर्ड के माध्यम से लोगों को उसमें अपॉइंट करने का विषय लोगों ने उठाया है। तो इन्होंने ज्ञापन इसमें सौंपा है अनुराग जी के लिए, तो हम कोशिश इसमें करेंगे कि गरीब लोग हैं, बहुत जेन्युइन इनकी समस्या है, तो इनका जो विषय है वो सरकार के समक्ष हम रखें और इनको राहत इसमें मिले, ये हम कोशिश करेंगे।